दोस्तों नमस्कार, इस समय मैं मौजूद हूँ रोशनपुरा वार्ड नंबर 129 में, जहाँ से आम आदमी के प्रत्याशी डॉक्टर संजय पाराशर जी के समर्थन में एक विशाल जनसभा आयोजित की गई है, जिसमें पूर्व सांसद महाबल मिश्रा और मंत्री कैलाश गहलोत ने संबोधित किया था। हमारे साथ युवा समाज सेवी हैं, जनशक्ति एकता संघ के अध्यक्ष हैं भाई अमित गौड़ जी, उनसे जान लेते हैं। अमित भाई, क्या माहौल है रोशनपुरा में? संजय भाई बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं पीछे माहौल क्या है, और जनता से बड़ा कोई जनार्दन नहीं। आप देख रहे हैं कि क्या किस तरीके से डॉक्टर साहब को समर्थन मिल रहा है, अपार समर्थन। और निश्चित ही 4 तारीख को 4 नंबर पर झाड़ू का बटन दबेगा और रोशनपुरा से डॉक्टर संजय पाराशर विजयी होकर आएंगे। अमित भाई, आप बड़े सोशल हैं और लगातार इन चीज़ों में एक्टिव रहे हैं। बड़े मुद्दे हैं, लूट खसोट को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के, लेंटर माफिया को लेकर के, अवैध उगाही को लेकर के, इन तमाम विश्लेषणों का यहाँ पर जिक्र किया गया है। आप क्या समझते हैं इन चुनावों में इन मुद्दों का कितना असर है, आम आदमी पार्टी को कितना फायदा हो रहा है? देखिए संजय भाई, 15 साल से मैं पार्टियों के नाम नहीं लूँगा। एक पार्टी 15 साल से MCD में स्थापित है, और ये जितने भी मुद्दे हैं ये किसी से छुपे हुए नहीं हैं। चाहे MCD के निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार देखें, ये गली नालियों की सफाई का मुद्दा देखें, स्वास्थ्य का देखें, शिक्षा का देखें, किसी मुद्दे को देखें, तो आज बदलाव मांग रही है 15 साल से MCD, और ये आज बदलाव की लहर है जो इतनी बड़ी जनसभा डॉक्टर संजय पाराशर के समर्थन में है। और यकीनन ही एक बदलाव, एक नए बदलाव की तरफ रोशनपुरा वार्ड और मैं कहूँगा नजफगढ़ बढ़ रहा है। जनशक्ति एकता संघ समर्थन में है डॉक्टर संजय पाराशर के, और संपूर्णता हम उनको जीत दिलाकर लाएंगे। रवि जी क्या कहेंगे, तमाम इतनी बड़ी जनसभा है, आप क्या समझते हैं रोशनपुरा वार्ड में क्या माहौल है? भाई साहब, हमेशा मैंने कहा है कि जो सामाजिक लोग हैं, क्योंकि ये एक मेला है, ये आज है शायद 10 दिन में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो सामाजिक व्यक्ति हैं, जैसे अभी बात की अमित गौड़ भाई की या हम लोगों को समाज के बीच में ही रहना है, तो सामाजिक व्यक्ति को बहुत कुछ सोच समझ करके अपना समर्थन देना होता है, क्योंकि उसको देखना होता है कि बाद में जनता का जवाब सामाजिक व्यक्ति को देना है। तो यदि आज जितने भी सामाजिक संगठन हैं उन सब ने अपना समर्थन दिया है, तो वो एक एजुकेटेड व्यक्ति को दिया है, एक ऐसे व्यक्ति को दिया है जो एजुकेटेड होने के साथ साथ उसका प्रोफेशन एक डॉक्टर है। डॉक्टर से बेटर एक आदमी के बारे में कोई नहीं जान सकता। दूसरे नंबर की चीज़, वो सामाजिक भी हैं। आपने काफ़ी उनके प्रोग्राम जो उन्होंने बड़े बड़े इवेंट्स किए हैं युवाओं के लिए स्पोर्ट्स में, आपने शायद कवरेज उनकी जरूर की होगी, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। और अब तो 100% नजफगढ़ में वार्ड नंबर 129 की जनता ने कन्फर्म कर दिया कि भाई साहब भारी बहुमतों से जीत करके यहाँ पर नजफगढ़ में आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।